हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 5 का जी। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने 5 का पूरा कंप्लीट देखा था, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए और एक एक बात को ध्यान से सुनिए ताकि सारी बातें आसानी समझ में आ सके। तो इस 5G चैप्टर में आप लोगों को लंब केंद्र जानना है। हमने लंब केंद्र एक बार इस चैप्टर 5 में पहले शुरू में बता दिया हुआ है, तो वही यहाँ भी जानना है लंब केंद्र होता क्या है और किस किस त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ कहाँ बनेगा, यही पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज साल करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया है, एबीसी, कोई त्रिभुज दे दिया है एबीसी, इस त्रिभुज का लंब केंद्र कहते किसको है। देखिए हमने बताया था लंब केंद्र, तीन बात आप लोग याद रखेंगे, कल हमने बताया परिकेंद्र और ये एक लंब केंद्र और एक हमने बताया था केंद्र। तो परिकेंद्र क्या होता है, जब भुजाओं का लंबार्धक करते हैं और जहां पर जिस बिंदु पर मिलते हैं लंबार्धक तीनों उसको कहते हैं परिकेंद्र। जबकि लंब केंद्र अब आप लोगों को देखना है ये क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। तो लंब केंद्र देखिए हमने पहले बताया था त्रिभुज में शीर्ष, ये तीनों होते हैं शीर्ष। शीर्ष किसको कहते हैं, जिस बिंदु पर त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं, इस केवल बिंदु का नाम होता है शीर्ष। तो तीन शीर्ष हैं, तो शीर्ष लंब क्या, लंब केंद्र क्या होगा, तो देखिए ये शीर्षों से जिस भुजा पर लंब डालते हैं, लंब मीन्स देखिए इस शीर्ष से मान लीजिए इस भुजा पर एक लंब डाला गया है, ऐसे लंब का मतलब होता है एकदम सीधा होगा, 90 अंश दोनों के बीच कोण बनेगा। एक शीर्ष लंब मान लीजिए इस शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया है लंब ऐसे, और एक इस शीर्ष से इसके वाले सामने वाले भुजा पर लंब डाला गया है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब, देखिए ये शीर्ष लंब है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ही लंब केंद्र कहते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ही लंब केंद्र कहते हैं। लंब केंद्र का नाम कुछ भी यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, मान लीजिए हमने इसको ओ लिख दिया, लंब केंद्र को हमने ओ लिख दिया, नाम कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। तो लंब केंद्र और क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, मीन्स एक ही बिंदु से जाएगा तो संगामी कहते हैं, और जिस बिंदु पर तीनों मिल जाएंगे उसी को लंब केंद्र कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं, संगामी मीन्स एक ही बिंदु से जाते हैं, तथा इसी संगामी या संगमन बिंदु भी कहते हैं। तो इसी संगमन बिंदु को, इसी संगमन बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। अब मान लीजिए आप लोगों से कोई पूछता है, त्रिभुज आप लोग तीन जान चुके हैं, एक अधिक कोण, एक सम कोण और एक न्यून कोण। तो तीनों त्रिभुज में मान लीजिए कोई पूछता है कि कोई अधिक कोण दिया हुआ है, अधिक कोण त्रिभुज, उसमें जो ये लंब केंद्र होगा कहाँ होगा, त्रिभुज के बाह्य क्षेत्र में होगा कि त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में होगा कि त्रिभुज के भुजाओं पर होगा, ऐसे कोई पूछ सकता है। तो इसके लिए देखिए आप लोग क्या करेंगे, उसको भी याद रखेंगे। तो मान लीजिए पहला आप लोग ले लेते हैं,
अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज एक होता है न्यून कोण त्रिभुज और एक होता है समकोण त्रिभुज। तो तीनों के लिए देखिए देखते हैं हम लोग कि कहां कहां बनेगा। ये जो लंब केंद्र होगा अधिक कोण के लिए कहां होगा, न्यून कोण के लिए कहां होगा, समकोण त्रिभुज के लिए कहां होगा। तो अधिक कोण के लिए हम लोग अब देखते हैं। देखिए अधिक कोण मान लीजिए अगर कोई है, अधिक कोण त्रिभुज अगर है, ये मान लीजिए दे दिया है ए बी सी अधिक कोण। तो अधिक कोण में याद रखेंगे हमेशा बाह्य क्षेत्र में बनेगा। बाह्य क्षेत्र में मीन्स लंब केंद्र जब इसका खींचेंगे तो बाहर कहीं बन जाएगा ऐसे। इसका जब शीर्ष लंब खींचेंगे तो इधर कहीं आएगा, इसका शीर्ष लंब इधर कहीं आएगा, डॉट डॉट से इसलिए लिख रहा है। तो यहाँ पर ओ हो जाएगा मान लीजिए। तो बस याद क्या रखना है, अधिक कोण त्रिभुज का बाह्य क्षेत्र में होगा, न्यून कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण आप लोग जानते हैं जिसमें सभी कोण 90 अंश से कम के होते हैं। तो न्यून कोण वाले में हमेशा शीर्ष लंब ऐसे खींचेंगे, ये हमने न्यून कोण ही खींचा है, तो हमेशा बीच में ही मीन्स त्रिभुज के अंदर ही आएगा। तो इसमें देखिए न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, अंतः क्षेत्र में और समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण मीन्स एक कोण जिस त्रिभुज में 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में हमेशा इस शीर्ष पर चाहे इस शीर्ष पर चाहे इस शीर्ष पर यहीं पर बनेगा। इसमें शीर्ष पर बनेगा। तो तीनों याद कर रखना, अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब केंद्र होगा वो बाहर बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर बनेगा और समकोण त्रिभुज में शीर्ष पर किसी भी एक शीर्ष पर चाहे शीर्ष पर चाहे शीर्ष पर कहीं शीर्षों पर ही बनेगा। तो ये याद रखना है। अब आप लोग एक्सरसाइज 5G देख सकते हैं। 5G का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसका कोण बी अधिक कोण हो, इस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज एबीसी बनाना जिसमें बी अधिक कोण हो, तो हम लोग बनाते हैं कोई एक भुजा हम लोग खींच लेंगे। मान लीजिए हमने खींच लिया बीसी, बी अधिक कोण करना है, इसी बी पर हम लोग 120 का कोण बनाएंगे। अब चाप ऐसे लगाएंगे हम लोग पहले प्रकार से, यहां से एक बार और उसी दूरी से और एक बार और दोबारा काटेंगे तो 120 का कोण बनता है, आप लोग जानते हैं। उसके बाद ये जितना बड़ा चाहेंगे उतना बड़ा बना सकते हैं। इसका नाम ले लेंगे ए बी सी हो गया, ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ये 120 हमने बना लिया है। अब जब अधिक कोण हमने बी पर बना लिया, देखिए इस त्रिभुज का लंब केंद्र खींचना है। लंब केंद्र कैसे खींचते हैं इसको हमने पहले आप लोगों को बताया हुआ है। अधिक कोण बना लिया, अधिक कोण मीन्स एक कोण 120 अंश का हो गया। अब हम लोग इसमें खींचेंगे लंब केंद्र। तो लंब केंद्र खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब खींचना है, तो देखिए लंब हमेशा यहां से सीधा 90 अंश पर होता है। तो जब इसका आप लोग शीर्ष लंब खींचेंगे, शीर्ष लंब हमने बताया था कि ए पर प्रकार को रखेंगे, इस पर हमने बताया था कि इस उसके सामने वाली भुजा पर दो जगह चाप काटते हैं। तो देखिए यहां चाप कटेगा नहीं, इस भुजा को हम लोग ऐसे डॉट डॉट से आगे भी बढ़ा सकते हैं जितना चाहेंगे। तो इस ए से अब आसानी से हम लोग दो जगह ऐसे चाप काट सकते हैं इस भुजा पर, और जहां जहां चाप कट जाता है
अब क्या करते हैं, ये चाप दो जगह कटा है तो इस पर प्रकार को रखते हैं, इस पर और इस चाप का आधे से अधिक का दूरी लेकर चाप लगाते हैं और फिर इस वाले पर रख के उसी दूरी से चाप लगाते हैं। अब ये चाप जहां कट जाते हैं, देखिए चाप अब जहां कट जाते हैं उसी को इस शीर्ष से मिलाते हुए ऐसे खींच देते हैं। तो ये देखिए शीर्ष लंब हो गया, मान लीजिए हमने एम एक शीर्ष लंब इसका खींच लिया, इस शीर्ष से मान लीजिए उसके सामने वाली भुजा पर एक लंब खींचना है। तो देखिए ये वाला भुजा उसके सामने का ये भुजा है, थोड़ा और बड़ा हम इसको कर रहे हैं देखिए। तो यहां पर सी पर हम लोग प्रकार को रखेंगे और इस भुजा को दो जगह ऐसे चाप काट देंगे रख के, यहां पर प्रकार रखेंगे दो जगह काट लेंगे जहां जहां भी कटे। अब इसमें इस पर प्रकार रखेंगे, इसका आधा से अधिक दूरी लेकर ऐसे चाप लगाएंगे, फिर यहां से उसी दूरी से चाप लगाएंगे जहां कटेगा, इसको सी से मिलाते हुए ऐसे खींच लेंगे। तो ये शीर्ष लंब देखिए हमेशा बाहर ही जाएगा, ये भुजा इसका हो गया है देखिए। उसके बाद देखिए हमने शीर्ष लंब यहां से खींच लिया, यहां से खींच लिया, बी का जब शीर्ष लंब खींचेंगे तो बी पर प्रकार को रख के इसको दो जगह काटेंगे और यहां से आधा से अधिक दूरी लेकर ऐसे और फिर यहां से उसी दूरी से काटेंगे और इसको मिलाते हुए ऐसे खींच लेंगे। तो ये देखिए ये तीनों हमारा ऐसे बना है, तीनों एक ही बिंदु पर ऐसे काट लेंगे, तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु पर काटेंगे। मान लीजिए हमने इसका नाम ओ लिख दिया, तो इस तरह से आप लोग ये लंब केंद्र खींचेंगे। लंब केंद्र हमने खींचना पहले भी अभ्यास में बता दिया हुआ है, क्या करेंगे त्रिभुज के सामने वाली भुजा पर वहां से पहले चाप काटते हैं। तो देखिए यहां हम लोग चाप नहीं काट पाएंगे तो इसलिए इस भुजा को बड़ा कर लेते हैं, अपने डॉट डॉट बना के बड़ा कर लेते हैं, तो ऐसे बनता है। अब यहां मान लीजिए हम लोग हल में क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है में देखिए त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसका कोण बी अधिक, केवल एक ही दिया है कोण बी अधिक, त्रिभुज एबीसी का ज्ञात है क्या, त्रिभुज एबीसी का कोण बी अधिक कोण है, यही हमको ज्ञात है। अब हम लोग लिखेंगे रचना करनी है, रचना करनी है हमें, देखिए क्या बनाना है हमको, रचना करनी है हमें एक त्रिभुज बनाना है और उसका लंब केंद्र खींचना है। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी तथा उसके लंब केंद्र की, इसी की रचना करनी है। अब हम लोग लिखते हैं रचना के चरण, रचना के चरण, तो रचना के चरण में नंबर डाल के देखिए क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम बोल रहे हैं आप लोग उसी को लिखते जाएंगे, पहला नंबर हम लोग लिख सकते हैं हमने एक त्रिभुज एबीसी बनाया जिसमें कोण बी अधिक कोण है, पहले नंबर पर लिख लेंगे। दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे कि हमने शीर्षों ए बी और सी से शीर्ष लंब खींचे, दूसरे नंबर में हो गया। शीर्ष लंबों का नाम लिख सकते हैं, एम हमने मान लीजिए खींचा है यहां से, बी एन यहां से, एक हमने यहां से खींचा है, कुछ भी मान लीजिए एम एन ओ पी मान लेते हैं देखिए। तो हमने लिख सकते हैं क्या, तीसरे नंबर में हमने शीर्षों ए बी और सी से तीन शीर्ष लंब एम बी एन और सी पी खींचा। फिर अगले नंबर में आप क्या लिखेंगे, ये तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, या लिख सकते हैं ये तीनों शीर्ष लंब बिंदु ओ पर मिलते हैं, अतः अगले नंबर में लिखेंगे अतः ओ इस त्रिभुज का लंब केंद्र है। देखिए जब भी ये अधिक कोण होगा तो उसका लंब केंद्र हमेशा त्रिभुज से बाहर बनेगा। इस फिगर को एक बार और समझते हैं ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कहा है एक अधिक कोण बनाइए, तो हमने मान लीजिए ऐसे 120 अंश का कोण बना दिया यहां पर, तो ये अधिक कोण हो गया है, हमने नाम ऐसे लिख लिया है ए बी और सी, यहां पर अधिक कोण बनाना था। अब कह रहा है कि इस त्रिभुज का
क्या करना है, लंब केंद्र खींचना है। तो लंब केंद्र खींचने के लिए हमको शीर्ष लंब खींचना होगा, और शीर्ष लंब कैसे खींचते हैं, यहां पर प्रकार को रखेंगे, उसके सामने वाली भुजा पर दो चाप लगाना होता है। ध्यान दीजिए, यहां प्रकार रखेंगे, ऐसे दो चाप लगाना होता है। मान लीजिए ऐसे जब हम लोग चाप लगाएंगे तो चाप बाहर गया, इस भुजा को काटेगा नहीं, और दो जगह भुजा को उसके सामने वाले काटना जरूरी है। तो जब नहीं काटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस भुजा को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जब भुजा सीधे आगे बढ़ाएंगे उसी भुजा को, तो देखिए यहां कटा, उस भुजा को दो जगह काट लिया। अब जो दो जगह जब काटेगा तो हम प्रकार यहां रखेंगे, और ये जो चाप काटे हैं इसका आधा से अधिक दूरी लेकर अंदाज से एक चाप लगाएंगे, और यहां से भी दूसरा चाप लगाएंगे। देखिए अब ये जहां पर कटेगा उसको इससे मिलाते हुए ऐसे डॉट 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 ये खींचेंगे क्या, शीर्ष लंब। तो ए से हमने शीर्ष लंब खींच लिया, शीर्ष लंब देखिए हमारा टेढ़ा हो रहा है, एकदम जब बनाएंगे आप लोग तो एकदम सीधा बनेगा, यहां पर बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसी तरह से मान लीजिए अब सी से खींचना है, उसके सामने वाली भुजा कौन है, ये है इस पर। तो मान लीजिए सी पर प्रकार रखेंगे, इसको दो जगह काटना पड़ेगा ऐसे, तो दो जगह मान लीजिए नौ काट के इधर आ गया, तो क्या करेंगे, इसको बढ़ाना पड़ेगा तभी दो जगह काटेगा। अब यहां जब दो जगह काट दिया तो यहां रख के आधा से अधिक दूरी लेके ऐसे चाप लगाएंगे उसी दूरी से यहां से, और जहां कटेगा इसको अब इससे मिलाते हुए ऐसे डॉट डॉट खींचेंगे, तो ये उसका शीर्ष लंब हुआ। इसी तरह बी से हमेशा शीर्षों से उसके सामने वाली भुजा पर ही शीर्ष लंब खींचेंगे। मान लीजिए यहां से खींचना तो इसको दो जगह काट सकते हैं, अब यहां से आधा से अधिक दूरी लेके चाप लगाएंगे उसी दूरी से यहां से चाप, और कटेगा इसको मिलाते हुए इधर तक बढ़ा लेंगे। अब जहां तीनों मिल जाएंगे शीर्ष लंब, वही क्या होगा, लंब केंद्र होगा। तो काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्ञात है, मैं आप लोग लिखना जान ही चुके हैं, केवल अधिक कोण दिया तो वही लिखेंगे। रचना क्या करनी है, हमको त्रिभुज एबीसी बनाना है और उसका लंब केंद्र खींचना है। रचना के चरण में जैसे हमने बोला वैसे लिख सकते हैं आप लोग। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, 5G में दो ही क्वेश्चन है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। क्वेश्चन सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, जो दिया है कह रहा है कि न्यून कोण त्रिभुज एबीसी बनाइए तथा इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए, या भी बताइए कि इस त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित है अथवा बाह्य क्षेत्र में। तो हम लोग सबसे पहले लंब केंद्र खींचेंगे, त्रिभुज एबीसी बनाना है जो कैसा होगा, न्यून कोण मीन सभी कोण 90 से कम के होंगे। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे, कोई भी त्रिभुज बना सकते हैं, न्यून कोण मीन तीनों कोण 90 से कम के होने चाहिए। हम लोग क्या करेंगे कि एक न्यून कोण बना लेंगे 90 से कम का ही ऐसे त्रिभुज। अब क्या करना है, उसका लंब केंद्र ज्ञात करना है। तो हमने लंब केंद्र बताया है कि शीर्षों से उसके सामने वाली भुजा पर, मान लीजिए ए से उसके सामने वाली भुजा पर शीर्ष लंब जब खींचना है तो ए पर प्रकार को रखेंगे और ऐसे उसके सामने वाली भुजा को दो जगह काटेंगे, कहीं भी छोटा बड़ा काट सकते हैं। अब जहां दो जगह कटेगा इस पर प्रकार रखना है और इस चाप का आधा से अधिक दूरी लेकर ऐसे लगाना है और उसी दूरी से यहां रख के लगाना है, और जहां कटेगा इसको ऐसे मिलाते हुए खींच लेंगे। अब मान लीजिए हमको बी से उसके सामने वाली भुजा पर खींचना है शीर्ष लंब, तो यहां से हम लोग प्रकार को इस बी पर रखेंगे और ऐसे इस भुजा को दो जगह काटेंगे। अब जहां कटेगा इस पर रख के इस चाप का आधा से अधिक दूरी लेकर ऐसे चाप लगाएंगे, और जहां से भी रख के उसी दूरी से चाप काटेंगे, जहां कटेगा उसको बी से मिलाते हुए खींचेंगे। अब सी से उसके सामने वाली भुजा पर शीर्ष लंब खींचना है तो सी पर प्रकार को रख के उसके सामने वाली भुजा काटेंगे, और यहां एक बार रख के आधा से अधिक दूरी लेकर ऐसे लगाएंगे, उसी दूरी से यहां से लगाएंगे, जहां कट रहा उसी को सी से मिलाते हुए खींच लेंगे। तीनों जहां मिल रहा मान लीजिए इसका नाम हमने ओ लिख दिया, इस शीर्ष लंबों का भी कुछ नाम लिख सकते हैं, मान लीजिए एम एन पी कुछ भी लिख सकते हैं अपने तरफ से जो चाहेंगे। तो ये देखिए ये हमने शीर्ष लंब खींचा, लंब केंद्र किसको कहते हैं, तीनों जहां मिले हैं इस बिंदु पर मिले हैं उसका नाम ओ लिख लेंगे, तो यही इसका क्या है, लंब केंद्र है। अब देखिए हमको क्या कह रहा है, लंब केंद्र ज्ञात कीजिए, तो लंब केंद्र हमने ज्ञात कर लिया है। अभी पूछा है बताइए कि इस त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित है अथवा बाह्य क्षेत्र में। तो देखिए
त्रिभुज के अंदर है तो लिखेंगे अंतः क्षेत्र में स्थित है, न्यून कोण में आप लोग जानते हैं हमेशा अंदर ही होगा, तो इसमें क्या लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है में लिखेंगे देखिए कुछ भी इसमें दिया नहीं है, त्रिभुज एबीसी बनाइए कह रहा है, इसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए, या भी बताइए कि इस त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित है, तो देखिए ज्ञात है में जब कुछ भी नहीं दिया केवल एक चीज दिया न्यून कोण, तो लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज एबीसी, यही केवल पता है कि त्रिभुज एबीसी जो है वो न्यून कोण है। अब रचना करनी है हमें, क्या लिखते हैं रचना करनी है, तो इसमें देखिए लिखते हैं जो बनाना होता है, तो एक त्रिभुज एबीसी भी बनाना है और उसका लंब केंद्र ज्ञात करना है, तो लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज एबीसी यही तथा इसका जो जो बनाना होगा उसको लिखते हैं, इसमें इसका लंब केंद्र यही दो चीज बनाना है। अब लिखेंगे रचना के चरण, तो रचना के चरण में देखिए नंबर डाल के लिखेंगे, पहले नंबर पर क्या लिखेंगे कि एक त्रिभुज एबीसी एक न्यून कोण त्रिभुज एबीसी बनाया पहले नंबर में, दूसरे नंबर में क्या लिखेंगे शीर्षों ए बी तथा सी से शीर्ष लंब ए एम बी पी और सी एन खींचा, अगले नंबर में लिखेंगे तीनों शीर्ष लंब एक बिंदु ओ पर मिलते हैं, अगले नंबर में लिखेंगे यही बिंदु ओ त्रिभुज का लंब केंद्र है, और फिर अगले नंबर में क्या लिखेंगे सबसे जरूरी लिखेंगे, ये भी देखिए क्वेश्चन में पूछा है, तो लिखेंगे कि अंतः क्षेत्र में बाह्य क्षेत्र में जो दिया है, तो लास्ट में लिखेंगे क्या कि लंब केंद्र इस त्रिभुज में अंतः क्षेत्र में स्थित है बस। तो ये 5G आप लोगों का कंप्लीट हुआ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से एक एक बात सुनिए और समझिए, सारी बातें आसानी समझ में आ जाएंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आप लोग अगले पार्ट में इसके बाद का चैप्टर देखेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही है।